मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में दो आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजीम मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और तीन अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे तीन बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। दो बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार दो बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर अनुज सूद की पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद।